हेलो फ्रेंड्स। सो हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा जो चैप्टर था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें आज हम कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे, इसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में देखेंगे। सो आई होप सब लोग ठीक होंगे। चलो शुरू। सो कॉकरोच जो होता है वो ब्राउन या फिर ब्लैक उसकी बॉडी होती है, ब्राउनिश ब्लैक ब्लैकिश जो इसकी बॉडी होती है। ये आर्थ्रोपोडा के फाइलम आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा में जो है ये उस क्लास में इसको हम रखते हैं, क्योंकि ये एक इंसेक्ट है। ये और भी कलर के मिल सकते हैं, जैसे कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स है उसमें ये ब्राइट येलो, रेड, ग्रीन, रेड और ग्रीन कलर के भी जो है कॉकरोच मिलते हैं। सो इनकी साइज़ जो है वो 1/2 इंच से लेके 3 इंच तक हो सकती है, और इनमें एंटीना रहते हैं। इनके एंटीना होते हैं, लेग होते हैं और फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल दैट कंसील्स द हेड। और ये जो है एक ओमनीवोरस एनिमल है, नॉक्टर्नल होता है, रात में निकलता है और ओमनीवोरस है। और जो डैम्प प्लेसेस रहते हैं ये सब जगह पाया जाता है। और अभी ये हमारे घर में भी जो है आप देख सकते हैं, अपने घरों में भी मिल जाएगा। सो ये जो है एक सीरियस पेस्ट है और सेवरल डिजीजेस का जो है कैरियर भी है, वेक्टर भी है ये। सो इसकी मॉर्फोलॉजी देखो। सो एडल्ट जो कॉमन स्पीशीज़ है कॉकरोच की वो है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। सो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना जो है ये 34 to 53 मिलीमीटर जो है लॉन्ग होता है। इसकी विंग्स होती हैं जो कि इसकी एब्डोमेन जो मेल्स में जो एब्डोमेन है उसकी उससे भी बाहर जो है इसके विंग्स चले जाते हैं। और इसकी बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहती है, 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन में। सो ये है इसका हेड, देन थॉरिक्स एंड देन एब्डोमेन। सो इसकी जो बॉडी होती है वो एक हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से कवर रहती है जो कि इसको प्रोटेक्शन देती है। और ये जो है हर एक सेगमेंट में एक्सोस्केलेटन जो है वो हार्ड प्लेट्स का बना होता है, जैसे हम स्क्लेराइट्स कहते हैं। ये जो है टर्जिट्स डॉर्जली होती है और स्टर्नाइट्स जो है वो वेंट्रली पाई जाती है। सो ये जॉइन होके और एक थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मैम्ब्रेन जो है बनाती हैं। सो इसका एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन है इसमें। ये इसके एंटीना और हेड में इसकी जो है कंपाउंड आइज मिलेंगी, और फिर ये है प्रोटोनम एंड देन ये है मीजोथोरिक्स। थोरिक्स को भी हम जो है फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, मीजोथोरिक्स, मैटाथोरिक्स और जो है इसमें प्रोथो थोरेसिक लेग्स होंगे। मीजोथोरिक्सिक लेग्स भी जो है इसमें पाए जाते हैं और मैटाथोरेसिक लेग्स भी जो है पाए जाते हैं। सो 3 तरह के लेग हो गए। और फिर उसके बाद विंग्स हैं इसमें, टेगमेना और हाइंड विंग एंड एब्डोमेन, और यहाँ पे एनल सरसरी जो दोनों में मिलती है, मेल और फीमेल। सो ये एक्सटर्नल फीचर्स हैं कॉकरोच के, ऐसा ही दिखता है ये। सो इसका हेड जो है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, और ये जो है राइट इंटीरियर लाइज इंटीरियरली एट द राइट एंगल्स टू द लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस। सो बॉडी एक्सिस के जो है ये एकदम मतलब सामने सामने हेड सामने इसका लगा रहता है। एंड इट फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। तो यहाँ पे 6 सेगमेंट फ्यूज होके जो है हेड वाला पार्ट बनाते हैं, और ये जो है ग्रेट मोबिलिटी शो करता है क्योंकि यहाँ पे जो है फ्लेक्सिबल नेक जो है इसको अटैच करती है एब्डोमेन से। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है, जो है ऑल डायरेक्शंस में जो है इसका मूवमेंट हो सकता है। और हेड पे जो है एक पेयर ऑफ कंपाउंड आइज होती है, और उसके अलावा थ्रेड लाइक एंटीना होते हैं जो कि इसकी मैम्ब्रेनस सॉकेट से जो है अराइज होते हैं, लाइंग इन द फ्रंट आइज। ओके, देन एंटीना जो है उसमें सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इसको एनवायरनमेंट को मॉनिटरिंग करने में हेल्प करते हैं। सो एंटीना का काम है सेंस जो है सेंसरी ऑर्गन्स की तरह ये वर्क करते हैं। सो एंटीरियर एंड जो है हेड का उसमें अपेंडेजेस होते हैं फॉर्मिंग बाइटिंग एंड चूइंग पार्ट्स ऑफ द माउथ, और माउथ पार्ट जो है वो उसमें 4 पार्ट से ये मिलके बना होता है। पहला है लेब्रम जो कि अपर लिप होता है, अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स, अ पेयर ऑफ मैक्सिले एंड अ लेबियम, लेबियम जो कि लोअर लिप होता है।
सो मैंडी जो मीडियम फ्लेक्सिबल लोब जो कि हाइपो फेरिंग से ये टंग की तरह एक्ट करता है इसमें, जो कि इसकी जो है माउथ पार्ट की कैविटीज़ में रहता है, ऑब्वियसली टंग वहीं रहेगी। सो थॉरेक्स में जो है तीन पार्ट होते हैं, प्रोथॉरेक्स, मीजोथॉरेक्स एंड मेटाथॉरेक्स। इसको फर्दर हमने तीन भाग में डिवाइड किया थॉरेक्स को। सो हेड जो है वो थॉरेक्स से कनेक्टेड रहता है बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथॉरेक्स नोन एज नेक। तो नेक जो है उसको मूवमेंट की जो है फैसिलिटी देता है हेड को, और इसके थ्रू जो है वो थॉरेक्स से जुड़ा रहता है हेड। सो हर एक थॉरेसिक सेगमेंट में जो है एक पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स होते हैं, और फर्स्ट पेयर जो है विंग वो अराइज होते हैं फ्रॉम द मीजोथॉरिक्स। सो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स कहाँ से अराइज हो रहे हैं? मीजोथॉरिक्स से, और जो सेकेंड पेयर है वो मेटाथॉरिक्स से अराइज हो रहे हैं। और फोर विंग्स जिन्हें हम मीजोथॉरेसिक विंग्स हैं जो, और वो उनको हम टेगमीना कहते हैं, और ये ओपेक डार्क कलर के होते हैं और लेदरी होते हैं। ये जो है हाइंड विंग्स को कवर करते हैं, जब ये रेस्ट में होते हैं तो ये इसको जो है कवर करके रखते हैं, और जो पीछे वाले जो हाइंड विंग्स हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, और इन्हीं से जो ये उड़ता है, ये मैम्ब्रेनस होते हैं एंड यूज इन फ्लाइट। उसके बाद जो एब्डोमेन है मेल और फीमेल दोनों में, उसमें 10 सेगमेंट होता है, इनकी जो एब्डोमेन में 10 सेगमेंट रहेंगे चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। और फीमेल में जो 7th स्टर्नम है वो बोट शेप रहती है, ठीक है। और ये जो है 7th वाला, ये 8th और 9th स्टर्ना के साथ मिलके ब्रूड या फिर जेनाइटल पाउच बनाता है, जो कि इसके इंटीरियर पार्ट पे लोकेटेड रहता है फीमेल के। और उसमें एक फीमेल गोनोस्पोर, स्पर्मथीका पोर्स और कोलेटरल ग्लैंड्स भी जो है प्रेजेंट रहते हैं। फिर मेल में जो जेनाइटल पाउच है या फिर चैम्बर है वो इसकी एब्डोमिनल एब्डोमिन के डॉर्सली जो है ये वहाँ लगा हुआ रहता है, 9th से लेके 10th जो है, 9th एंड 10th टेगरा एंड वेंट्रली अप वेंट्रली बाय द 9th स्टर्नम, यहाँ पे ये लगा रहेगा 9th और 10th सेगमेंट में के जो मेल का है वो। और ये डॉर्सली इसमें कंटेन्स डॉर्सल एनस एंड वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर एंड गैनोफाइसिस। मेल जो है उसमें एक शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल होती है जो कि फीमेल्स में एब्सेंट रहती है। तो ये जो है हम इससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये मेल कॉकरोच है या फिर फीमेल कॉकरोच है एनल स्टाइल की मदद से। सो दोनों में जो है 10 सेगमेंट पेयर होते हैं, जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड, जिनको हम एनल सरसी कहते हैं। 10 सेगमेंट में जो है एनल सरसी होती है, मेल और फीमेल दोनों में होगी ये। सो ये है इसका माउथ, इसका हेड है जिसमें कि आई जो है वो कंपाउंड आईज है, और ये यहाँ पे है मैंडिबल, ये है लेब्रम, मैक्सिले एंड लेबियम, सॉरी सो लेब्रम, और ये इसकी टंग, हाइपोफायरिंग्स। और मैंडिबल जो है उनका ये ग्राइंडिंग रीजन है, और इनसीजन का रीजन है ये मैंडिबल्स, फिर मैक्सिला और लेबियम जो कि लोअर लिप होता है इसका। सो नेक्स्ट है इसकी एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम इसकी एलिमेंट्री कैनाल, इसकी रेस्पायरेशन, ब्लड वगैरह सब देखेंगे। सो अब हम पढ़ेंगे इसकी एनाटॉमी के बारे में। तो इसमें हम एलिमेंट्री कैनाल, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका रेस्पायरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सब के बारे में पढ़ेंगे। सो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो बॉडी कैविटी में प्रेजेंट रहती है, और ये तीन भागों में जो है डिवाइड की जा सकती है, तीन रीजन्स में डिवाइड की जा सकती है, फोरगट, मिडगट और हाइंड गट। सो माउथ जो है वो ओपन होता है टू शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स, फेरिंग्स जो है देन दे लीड इन टू अ नैरो पैसेज जो है ट्यूबुलर पैसेज, जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं। सो यहाँ ईसोफेगस, फिर ईसोफेगस जो फर्दर क्रॉप में जाके ओपन होता है, और क्रॉप में जो है ये फूड को स्टोर करके रखता है। फिर क्रॉप जो है वो फॉलो होती है गिजर्ड से, और गिजर्ड जो है यहाँ पे सिमिलर जैसे अर्थवर्म में था कि ग्राइंडिंग का एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे भी जो है ग्राइंडिंग होगी, जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको ग्राइंड किया जाएगा। गिजर्ड में जो है आउटर लेयर होती है एक थिक सर्कुलर मसल्स की, और इनर जो है वो क्यूटिकल की लेयर होती है, जिसमें 6 हाइली काइटिनियस प्लेट्स बनती है जिनको टीथ कहते हैं। सो इनकी मदद से जो है ये ग्राइंडिंग का काम होता है गिजर्ड में। फिर गिजर्ड जो है यहाँ पे फिर एंटायर
फोर गट इज़ लाइन बाई क्यूटिकल, सो जित पूरी की पूरी फोर गट जो है वो क्यूटिकल से लाइन रहेगी, और यहाँ पे हिपैटिक और गैस्ट्रिक सी का प्रेजेंट रहते हैं, जो कि 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स हैं, ये रिंग के फॉर्म में रहती हैं, और इनको हम हिपैटिक या फिर गैस्ट्रिक सी का कहते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट रहेगी, जो फोर गट और मिड गट है उसकी जंक्शन पे ये प्रेजेंट रहती है। सो ये है, यहाँ तक फोर गट था, और ये है हिपैटिक सी का, जो कि जंक्शन पे प्रेजेंट है इसके मिड गट के और फोर गट के। सो इनका क्या काम है, जो हिपैटिक सी का है या फिर गैस्ट्रिक सी का है, इनका फंक्शन होता है कि डाइजेस्टिव जूसेस का जो है वो सिक्रीशन करती है। सो उसके बाद जो है जो मिड गट और हाइंड गट की जंक्शन पे एक और रिंग प्रेजेंट होती है, 100 to 150 येलो कलर के थिन फिलामेंटस रिंग होती है ये, जिसे हम मैल्पिजन ट्यूब्यूल कहते हैं। यहाँ पे ये मैल्पिजन ट्यूब्यूल्स की एक रिंग प्रेजेंट रहती है, और कॉकरोच में जो है मैल्पिजन ट्यूब्यूल्स जो वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, और अर्थवर्म में क्या होता है, नेफ्रिडिया। सो ये मैल्पिजन ट्यूब्यूल्स जो है वो हेल्प करती है इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ से ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में मदद करती हैं। और हाइंड गट जो है वो ब्रॉडर होता है देन द मिड गट, और ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है इनटू ईलियम, कोलन एंड रेक्टम। सो यहाँ ईलियम, कोलन एंड रेक्टम ये जो है डिवाइड होता है, और फिर रेक्टम जो है वो फर्दर एनस में जाके ओपन हो जाता है। अब है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। तो इसका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो है वो ओपन टाइप का है, जबकि अर्थवर्म का जो था वो क्लोज टाइप का था, क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स और हार्ट वगैरह सब प्रेजेंट थे। बट इसमें क्या है, ब्लड वेसल जो है वो पुअरली डेवलप रहती हैं। सो ये ब्लड जो है वो ओपन स्पेस में जो है हीमोसील जो है उसमें ही बहता रहता है, और जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं जो हीमोसील में लोकेटेड हैं वो उसी में डूबे रहते हैं, दे बैथ इन द ब्लड जो हीमोलिम्फ है उसमें। सो हीमोलिम्फ जो है वो कलरलेस प्लाज्मा और हीमोसाइट से मिलके बनी होती है, और कॉकरोच का एक ही हार्ट होता है, लेकिन उसमें चैम्बर जो है वो 13 हो सकते हैं। सो इसका 13 चैम्बर्ड हार्ट रहता है। सो हार्ट में जो है ये एक इलॉन्गेटेड मस्कुलर ट्यूब है, जो कि मिड डॉर्सल लाइन में जो है थॉरिक्स और एब्डोमिन की प्रेजेंट रहती है। ये डिफ्रेंशिएट होती है इनटू फनल शेप चैम्बर्स, यहाँ दिख रहे होंगे ये फनल शेप चैम्बर्स जो हैं, विद ओस्टिया ऑन आइदर साइड्स। तो इनके आइदर साइड्स पे जो ओस्टिया लगे रहते हैं। सो ब्लड जो है वो साइनस से एंटर होता है हार्ट में थ्रू ओस्टिया, एंड फिर वापस जो है वो इंटीरियरली पम्प कर दिया जाता है साइनसेस में वापस, मतलब एंटर हुआ साइनस से ओस्टिया के थ्रू, और फिर वापस जो है वो पम्प कर दिया जाएगा साइनस में। फिर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे ट्रैकिया का एक नेटवर्क होता है जो कि इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है, और ये ओपन होता है थ्रू 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पायरिकल्स, जो कि बॉडी के लेटरल साइड में प्रेजेंट रहते हैं इसकी। सो यहाँ पे जो थिन ब्रैंकियल ट्यूब्यूल्स हैं, जो ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स जो कि सब डिवाइड होती है इनटू ट्रैक्यूल्स, ये ऑक्सीजन लेके जाते हैं फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन जो है एयर से सारे पार्ट्स में लेके जाती है। फिर जो स्पायरिकल्स हैं वो इनकी ओपनिंग जो है वो रेगुलेटेड होती है थ्रू स्फिंक्टर्स। सो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमंस का, उसमें भी बहुत सारे स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। सो यहाँ स्पायरिकल्स की जो ओपनिंग है वो कॉकरोच में ये जो रेस्पायरेशन में काम आते हैं, तो ये स्फिंक्टर्स के थ्रू इनकी ओपनिंग जो है वो रेगुलेटेड होती है, और जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वो ट्रैकियोल्स में होता है बाय डिफ्यूजन। अब एक्सक्रीशन जो है वो मैल्पिजन ट्यूब्यूल्स की मदद से होता है, और हर एक ट्यूब्यूल जो है उसमें ग्लैंडुलर और सीलेटेड सेल्स से जो है वो लाइन रहती है, और ये क्या करते हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसका एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर उसको जो है यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और यूरिक एसिड का ही ये एक्सक्रीशन करते हैं थ्रू हाइंड गट। और इसीलिए जो इंसेक्ट्स हैं उनको यूरिकोटेलिक कहते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड का जो है एक्सक्रीशन कर रहे हैं। सो उसके अलावा फैट बॉडी नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोस ग्लैंड्स भी जो है वो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं कॉकरोच के।
फिर नर्वस सिस्टम जो है, सो नर्वस सिस्टम में यहाँ पे क्या है, एक सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया है जो कि ज्वाइन होते हैं बाय द पेयर लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स ऑन द वेंट्रल साइड। सो यहाँ पे जो गैंग्लियंस है वो मिलके इसका नर्वस सिस्टम बनाते हैं, और यहाँ पे थ्री गैंग्लिया जो है वो थॉरिक्स में मिलते हैं और छः जो है वो एब्डोमेन में मिलेंगे। सो नर्वस सिस्टम जो है वो इसकी पूरी बॉडी में फैला रहता है कॉकरोच के इसीलिए, और सिर्फ थोड़ा सा ही जो नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है वो इसके कहाँ होता है, हेड में होता है, और बाकी का सारा जो है इसकी बॉडी में होता है वेंट्रली यानी बेली साइड में जो है सिचुएटेड रहता है। तो जब हम कॉकरोच का हेड काट देते हैं इसके बाद भी वो जो वो 1 वीक तक जिंदा रह सकता है, वो इसीलिए जिंदा रह सकता है क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम जो है उसकी पूरी बॉडी में फैला हुआ है, सिर्फ हेड में ही नहीं है। हमारा तो हेड में होता है तो गर्दन कटी और हम मर जाएंगे, लेकिन ये जो है 7 दिन तक जिंदा रह सकता है। सो हेड रीजन में जो ब्रेन है वो रिप्रेजेंट की जाती है बाय सुप्रा ईसोफेशियल गैंग्लियन के थ्रू, जो कि नर्व्स की सप्लाई करता है एंटीना और जो उसकी कंपाउंड आइज है उसमें। ओके सो अब कॉकरोच के जो सेंस ऑर्गन्स हैं उसमें एंटीना आती है, आइज आते हैं, मैक्सिलरी बल्ब्स आते हैं, लेबियल बल्ब्स आते हैं, और एनल सर जो सरसी है वो आती है। कंपाउंड आइज जो है इसकी डॉर्सल सरफेस पे, जो हेड की डॉर्सल सरफेस है उस पर लगी रहती है, और इसमें हर एक आई में जो है कम से कम 2000 हेक्सागोनल ओमिटीडिया होते हैं। ये जो ओमिटीडिया है ये क्या करते हैं, कॉकरोच को सेवरल इमेजेस बनाने में मदद करते हैं एक ही ऑब्जेक्ट की, क्योंकि बहुत सारे हैं ये 2000 है तो सेवरल इमेजेस बनेंगी एक ऑब्जेक्ट की। यहाँ पे जो उसकी सेंसिटिविटी है, मतलब ये जो विजन होता है उसका, उसे हम मोजाइक विजन कहते हैं। सेंसिटिविटी तो ज़्यादा है लेकिन उसका रिजोल्यूशन जो है इमेज का वो बहुत कम रहता है। सो इसलिए ये जो मोजाइक विजन है ये रात के टाइम होता है, तो इसे हम जो है नॉक्टर्नल विजन कहते हैं। सो कॉकरोच जो है वो डाइईशियस होते हैं, ये इसका सेंसरी ऑर्गन्स भी हो गए। अब हम इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी देख लेते हैं कि कॉकरोच जो है वो डाइईशियस है यानी इसमें दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, अनलाइक अर्थवॉर्म जिसमें एक में ही दोनों सेक्सेस प्रेजेंट थे। सो ये जो है यहाँ पे वेल डेवलप्ड इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो 4 से 6 एब्डोमेन में लगे रहते हैं लेटरल साइड में, इसमें अ पेयर ऑफ टेस्टीज रहती है 4 से 6 तक। ओके उसके बाद जो है हर एक टेस्टिस जो है उससे एक थिन वैस डिफरेंस अराइज होती है जो कि ओपन होती है इनटू द इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमिनल वेसाइकल, और इजैकुलेटरी डक्ट वो जो है वो ओपन होती है इनटू गोनोपोर जो कि वेंट्रल एनस के जो है पास में प्रेजेंट रहता है ये। और ये यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप ग्लैंड होता है जो 6 से 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में पाया जाता है, और ये एक असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की तरह वर्क करता है। फिर एक्सटर्नल जेनाइटल जेनाइटेलिया जो है वो रिप्रेजेंट होते हैं बाय मेल गोनोफाइसिस और फेलोमियर, इसके चारों ओर जो है काइटिनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स जो है प्रेजेंट रहते हैं। सो स्पर्म जो है वो स्टोर होते हैं इन द सेमिनल वेसाइकल्स, और ये एक दूसरे से जो है ग्लूड रहते हैं टुगेदर टू फॉर्म बंडल कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स। फिर ये कॉपुलेशन के टाइम जो है डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें 2 लार्ज ओवरीज होती है जो कि सेकेंड से लेके 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में पाई जाती है। हर एक ओवरी जो है उसमें 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स या फिर ओवेरियोल्स फॉर्म होती है हर एक ओवरी से, जो कि एक डेवलपिंग ओवा की जो है उसमें कंटिन्यूस चेन कंटेन रखती है ये, और ओविडक्ट जो है वो यूनाइट होके एक सिंगल मीडियन ओविडक्ट बनाती है या फिर उसे हम वजाइना भी कह सकते हैं, और ये ओपन होती है इनटू द जेनाइटल चैम्बर, और उसके बाद जो है इसमें एक पेयर स्पर्मेथीका भी होता है जो कि 6 सेगमेंट में प्रेजेंट रहता है, और ये ओपन होता है इनटू द जेनाइटल चैम्बर। सो स्पर्म्स जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू स्पर्मेटोफोर्स, और फर्टिलाइज्ड एग जो है वो एक कैप्सूल में एनकेज रहते हैं इनके, मतलब इनका फर्टिलाइजेशन जो है इनके जो बच्चे हैं वो बाहर ही पैदा होता है इनसे, वो कैप्सूल जो होता है जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है ऊथिका, और ऊथिका जो है वो डार्क रेडिश या फिर ब्लैकिश ब्राउन कलर का कैप्सूल होता है। ये
अबाउट 3 by 8 inch या फिर 8 mm लॉन्ग होता है। और ये जो है जो क्रैक्स वगैरह होते हैं खाने डंप जो एरियाज होते हैं उनके पास जो है इनको छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ एक बार देख लेते हैं हम, ये है मेल और जिसमें कि टेस्टीज़ हैं, यहाँ ये टेस्टीज़ फैली हुई है और उसके बाद यहाँ पे ये वास डिफरेंस है जो जाके सेमिनल वेसाइकल्स में और वो फिर दोनों मिलके इजैकुलेटरी डक्ट में जो है ओपन हो जाते हैं। ये एनस के पास जो है इसकी सूडोपेनिस एंड कॉडल स्टाइल और एनल जो है सर्सस लगे हुए हैं और सिमिलर जो है यहाँ पे दे रखा है हमको फीमेल का, यहाँ पे ओवरी है, ओवरी देन फर्दर ओविडक्ट में देन कॉमन, ये मिलके कॉमन ओविडक्ट बनाती है फिर वजाइना देन कोलेट्रल ग्लैंड्स एंड जेनाइटल चैम्बर जहाँ पे ये सारे ओपन हो जाते हैं एंड वेस्टिब्यूल्स, इसको हम जेनाइटल पाउच कहेंगे, जेनाइटल चैम्बर और वेस्टिब्यूल मिलके जेनाइटल पाउच बनाते हैं एंड गोनोफाइसिस भी यहीं पर पाया जाता है एंड स्पर्मथीका जो कि स्पर्म्स को कंटेन करके रखता है। ये जो इसके ऊतिका है ये ग्लू हो जाते हैं टू सुटेबल सरफेसेस यूजुअली इन क्रैक्स और सर्विसेस, हाईली रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वहाँ पे और फूड सोर्स होना चाहिए। एक एवरेज फीमेल जो है वो 9 से 10 ऊतिका को प्रोड्यूस करती है जिसमें हर एक में 14 से 16 एग होते हैं। यहाँ पे जो तो जो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना है ये इसकी जो डेवलपमेंट है वो पोरो मेटाबोलस होती है, यानी इसमें जो है डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं हो रहा, इनके बीच में जो है एडल्ट और निम्फल स्टेज आती है। निम्फ जो है वो एडल्ट जैसे ही दिखते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एडल्ट से सिमिलर ही होते हैं, लेकिन ये जो है 13 टाइम्स जो है मोल्ट होते हैं, मेटामॉर्फोसिस करते हैं, उसके बाद ये एडल्ट स्टेज में पहुँचते हैं और निम्फल में जो सेकेंड लास्ट स्टेज होती है यानी नेक्स्ट टू द लास्ट वो स्टेज जो है जब यहाँ पे विंग पैड्स आ जाते हैं, लेकिन विंग्स जो है वो सिर्फ एडल्ट कॉकरोच में ही दिखते हैं। बहुत सारी स्पीशीज़ हैं कॉकरोच की जो कि वाइल्ड में भी मिलते हैं और लेकिन उनकी कोई इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस जो है हमें अभी तक पता नहीं है। और बहुत सारी स्पीशीज़ जो है वो ह्यूमन के अराउंड जो है ह्यूमन हैबिटेट के अराउंड जो है थ्राइव करती हैं। ये जो है बहुत बड़ा सा जो है पेस्ट है हमारे लिए और ये क्योंकि जो फूड है उसे स्पॉइल कर देता है और कंटामिनेट कर देता है अपने जो इसका है स्मेली एक्सक्रीट है उससे, और उसके अलावा ये वेक्टर भी है बहुत सारी डिजीजेस के लिए। बैक्टीरियल डिजीजेस जो है ये ट्रांसमिट कर सकते हैं थ्रू बाय कंटामिनेटिंग फूड मटीरियल, इसलिए इनकी सफाई बहुत ज़रूरी होती है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में है हमारा फ्रॉग, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, घर में ही रहिए, स्टे सेफ एंड स्टे होम, अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।